Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope so that you will be fine and enjoying your best health at your home. एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल The Language Groomer पर. And the topic of the today's video is the new classical poetry, The Age of Alexander Pope, 1700 to 1744. जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को तरतीब से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और मेरे इस YouTube चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी इंग्लिश हिस्ट्री के नाम से. उसको आप ओपन करेंगे और उसमें एंग्लो सैक्सन से लेके आपको एक तरतीब से वीडियोस जो है वो मिलेंगी. अगर आप किसी भी कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर आए हुए MCQs के डेटा को एक बड़े ही ऑर्डर्ड वे में प्रेजेंट किया गया है. तो इन वीडियोज को जरूर देखें. So without wasting any other single minute, let's start the topic of the day, and that is the new classical poetry or the age of Pope 1700 to 1744. ये बहुत important है. इसको आप याद करेंगे कि Alexander Pope का जो period है वो 1700 से 1744 तक है. आइए introduction की तरफ बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि ये जो period है वो 1700 to 1744 तक एज ऑफ पोप है. पीपल वर डिस्गस्टेड बाय द अनएथिकल एंड नॉन सीरियस वर्क ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड. इससे पहले जो है वो रेस्टोरेशन पीरियड चल रहा था 1660 से लेके 1700 तक. तो तब तक जो वर्क्स लिखे जा रहे थे वो इंतहाई अनएथिकल लिखे जा रहे थे, इंतहाई नॉन सीरियस लिखे जा रहे थे. अगली रियलिज्म जो है वो पेश किया जा रहा था और बिल्कुल ही फजूल से जो काम है वो रेस्टोरेशन पीरियड में लिखे गए. अगेंस्ट द रिलीजियस ज़ील एंड फैनेटिसिज्म ऑफ प्यूरिटन. और जो रेस्टोरेशन पीरियड था उसके अंदर जो किंग था वो चूंकि फ्रांस से आया था और इंग्लैंड पर हुकूमत कर रहा था, फ्रांस के अंदर उस किंग ने अयाशियों भरी जिंदगी गुजारी थी. तो उसने वही फोपरी, वही लूजनेस, वही लिसेंशियसनेस जो है वो इंग्लैंड के अंदर भी मुतारिफ करवा दी. और रेस्टोरेशन पीरियड जो है वो इंतहाई अनएथिकल पीरियड हो गया जो कि मजहब के भी खिलाफ था और प्यूरिटन्स के भी खिलाफ था. तो यहां पर जब एज ऑफ पोप में आते हैं हम, तो यहां पर क्या किया गया, दे चोज मिडल पाथ. उन्होंने मिडल पाथ को चुना, पाथ ऑफ क्लियर कट एंड एग्जैक्ट वर्ड्स एज वेल एज मॉरल्स. तो यहां पर देखें जी के मिडल पाथ चूज किया जा रहा है, क्लियर और एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, एज वेल एज मॉरल्स और मॉरल्स पर भी फोकस किया जा रहा है. इंस्टेड ऑन रोल ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस पर बड़ा फोकस किया जा रहा है जी. डेफिशिएंट ऑफ इमोशनल साइड एंड इमेजिनेशन. लेकिन फिर भी हमें ये नजर तो आता है कि यहाँ पर इमोशनल और इमोशनल होना, फीलिंग्स होना, इमेजिनेशन होना, इन चीजों की अभी भी कमी तो है. ड्यू टू इंटेलेक्ट पोइट्री इज डिडेक्टिक. पोइट्री डिडेक्टिक थी, सेट्रिकल थी. पोइट्री ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट की पोइट्री थी. क्रिटिसिज्म की पोइट्री थी. पॉलिटिक्स की पोइट्री थी. एंड पर्सनैलिटीज की पोइट्री थी. यानी एज ऑफ पोप में आके पोइट्री के अंदर ये तमाम थीम्स मौजूद थे कि वो नसीहत से भरी होती, उसमें तंज किया जाता, बहस की जाती, तनकीद की जाती, सियासत पर बातें की जाती और शख्सियात पर बातें की जाती. पोइट्स वर मोर इंटरेस्टेड इन द टाउन्स एंड कल्चर्ड सोसाइटी. यानी रेस्टोरेशन पीरियड के बाद जो न्यू क्लासिकल पीरियड आता है उसकी ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत बड़ा फीचर है कि जो पोइट्स थे वो टाउन्स और सिटी लाइफ के बारे में लिख रहे थे, वो कल्चर्ड सोसाइटी के बारे में लिख रहे थे, ना कि वो अर्बन सोसाइटी या रोमांटिक्स की तरह नेचर की तरफ चले जाएं, गांव देहात के मंजर दिखाएं, ऐसा कुछ नहीं था. यहाँ पर शहरों के मनाजर और शहरों के लोगों की जो थीम है वही डिस्कस की जाती थी. नो लव फॉर हम्बलर एस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लाइफ. लाइफ के हम्बलर एस्पेक्ट्स क्या होते हैं जी, नेचर होती है. और नेचर ऑफ रोमांटिक्स का यहाँ पर कोई ताल्लुक नहीं है न्यू क्लासिकल पीरियड के अंदर. नो रिगार्ड फॉर ग्रेट ह्यूमन हार्ट. यानी कि ये जेफरी चौफर, विलियम शेक्सपियर और जॉन मिल्टन जैसे जो बड़े बड़े पोइट्स हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, ये उनके लिए कोई ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं रखते थे, बल्कि ये क्या कर रहे थे, ये रोमांटिक्स की नेचर और इमेजिनेशन और फीलिंग्स से दूर जा रहे थे और इनकी पोइट्री जो है वो डिडेक्टिक और सेट्रिकल थी. नो अटैचमेंट फॉर मिडल एजेस. मिडल एजेस के अंदर भी यही चीजें थी कि वहां पर टेल्स चल रही हैं जी, बहादुरी की, एडवेंचर और आइडियलिज्म और इमेजिनेशन, वही सब थीम्स जो के
रोमांटिसिज्म की थीम्स हैं वो इनका उससे कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ये लोग जो हैं वो टोटली रोमांटिक्स के खिलाफ थे, रोमांटिसिज्म के खिलाफ थे, नेचर जो कि रोमांटिक्स की नेचर थी उसके खिलाफ थे, हम्बलर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के खिलाफ थे, मिडल एजेस के खिलाफ थे, ग्रेट ह्यूमन हार्ट जो कि चौसर, शेक्सपियर और मिल्टन ने पेश किया था उसके खिलाफ थे। ये लिख रहे थे डिडेक्टिक पोइट्री, ये लिख रहे थे सेट्रिकल पोइट्री, ये लिख रहे थे आर्ग्यूमेंटेटिव पोइट्री, ये लिख रहे थे जी क्रिटिसिज्म से भरी हुई पोइट्री, ये लिख रहे थे पॉलिटिकल पोइट्री और पर्सनल पोइट्री जो पर्सनालिटीज पे करते थे। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने शहरी जिंदगी को चूज किया और शहरी जिंदगी पर लिखना शुरू किया। आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म बिकेम मोर इंपॉर्टेंट देन कंटेंट। यहां पर आकर शायरी को लिखने का जो अंदाज था उस पर फोकस किया जाने लग गया, यानी कि फॉर्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई और कंटेंट पर फोकस बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा था। लव फॉर सुपरफिशियल पॉलिश। पोइट्री को बड़े ही साफ सुथरे अंदाज में अगर पेश किया जाता और उस पोइट्री के अंदर कोई डीप थीम्स ना होती, कोई कंटेंट ना होता, तो भी उसको पसंद कर लिया जाता, क्योंकि नियो क्लासिकल पोइट्री, इसका नाम ही देखे ना नियो क्लासिकल, वो हम आगे चल के देखते हैं कि इसको नियो क्लासिकल क्यों कहा गया। तो नियो क्लासिकल का मुराद ये है, इसका मतलब ये है कि जो पोइट्री है वो सुपरफिशियल सी होगी, उसके अंदर कोई डेप्थ नहीं होगी, कोई उसके अंदर बड़े बड़े फलसफे पेश नहीं किए जा रहे होंगे, कोई उसमें थीम्स नहीं होंगी, बस उसको एक अच्छे अंदाज में अगर लिख दिया गया है तो वो बेहतरीन पोइट्री तसव्वुर कर ली जाएगी। और हाईली आर्टिफिशियल स्टाइल जो है वो अपनाया जाता था पोइट्री को लिखते हुए, जिसकी वजह से ये जो पोइट्री है वो नियो क्लासिकल बन गई। आइए अब हम ये जान लेते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियो क्लासिकल पोइट्री क्या क्या है। तो सबसे पहले देखें जी, रिस्पेक्ट फॉर एंशंट्स, ये लोग कहते थे, ये जो पोप में जो पोइट्स लिख रहे हैं पोइट्री, जो नियो क्लासिकल पोइट्री की एज में पोइट्री लिख रहे हैं, वो पोइट्स कहते थे कि एंशंट्स की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बातें एंशंट्स कर गए हैं, जो फॉर्मूलाज वो पोइट्री लिखने के लिए दे गए हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको फॉलो किया जाए, उनको कॉपी पेस्ट किया जाए। इन्फ्लुएंस ऑफ नियो क्लासिकल पोइट, इन्फ्लुएंस आ गया जी, रियलिज्म दिखाने लग गए, डिडेक्टिज्म दिखाने लग गए और सटायर दिखाने लग गए। ये तीन इंतहाई इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं नियो क्लासिकल पोइट्री के, कि वो रियलिस्टिक थी, वो डिडेक्टिक थी और वो सेट्रिकल थी, यानी उसके अंदर असली मंजर पेश किया जाता और उसके अंदर नसीहतें की जाती और उसमें तंज भरा हुआ होता था। वर्स डी सोसाइटी, ये लैटिन फ्रेज है, इससे मुराद है कि शायरी की तो जाएगी लेकिन शायरी सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के बारे में की जाएगी, और वो भी कल्चर्ड सोसाइटी के बारे में, अर्बन सोसाइटी के बारे में, यानी कि शहरी मुआशरा जो है वो दिखाया जाएगा, देहात का या रोमांटिसिज्म का कोई भी मंजर यहाँ पर पेश नहीं किया जाएगा। नो इमेजिनेशन एंड पैशनेट इमेजिनेशन, कोई इमेजिनेशन नहीं है जी यहाँ पे, कोई रोमांटिसिज्म की थीम नहीं है, कोई आइडियलिज्म नहीं है, कोई नेचर नहीं है, बल्कि सारी जो पोइट्री है वो क्लासिकल है और क्लासिकल में भी नियो क्लासिकल। अब इसको नियो क्लासिकल क्यों कहा जाता है? जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि इन लोगों के लिए सबसे बढ़कर क्या हो चुकी थी, फॉर्म, कि पोइट्री को प्रेजेंट किस अंदाज में करना है। तो इन्होंने क्लासिकल्स की फॉर्म्स तो पिक कर ली, एंशंट पोइट्स की फॉर्म्स तो इन्होंने पिक कर ली, लेकिन इनका जो कंटेंट था वो कोई इतना खास अच्छा नहीं होता था। तो इनकी पोइट्री बिल्कुल नियो क्लासिकल पोइट्री थी, यानी कि वो असली क्लासिकल नहीं थी, बल्कि ये क्लासिकल्स को कॉपी करने में एक तरह से अगर देखा जाए तो ये खास तरह कोई कामयाब नहीं हो सके। इन्होंने क्लासिकल की फॉर्म को तो कॉपी कर लिया, लेकिन ये उस तरह की ग्रेट और ग्रैंड थीम्स अपनी पोइट्री में पेश नहीं कर पाए। इस पोइट्री का, इस पोइटिकल एज का सबसे बड़ा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है जी अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप 1688 में पैदा हुआ और 1744 में उसकी डेथ हो गई। तो अगर आप इस एज का टाइम पीरियड देखें तो वो आपको मिलता है 1700 टू 1744, यानी कि पोप ने लिखना शुरू किया 1700 में, और 1700 से 1744 यानी जिस साल उसकी डेथ हुई उसी साल इस एज का खात्मा हो गया। लेकिन अलेक्जेंडर पोप पैदा हुआ था 1688, 1688 में, और 1740 में उसकी डेथ हुई थी। ओके जी, तो इस शख्स के बारे में जानते हैं जी, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस
पीरियड है यानी न्यू क्लासिकल पोइट्री का रिप्रेजेंटेटिव है अलेक्जेंडर पोप। ये शख्स पोइट था, ये शख्स राइटर भी था और ये ट्रांसलेटर भी था। इसके बारे में फैक्ट्स जान लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल पूछ लिए जाते हैं जी, आप याद करेंगे। डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो वो हमारे पास है 21 मई 1688, लंदन में पैदा हुए, इंग्लैंड में कैथलिक फैमिली में पैदा हुए थे और इनके पेरेंट्स, वालिद का नाम अलेक्जेंडर पोप ही था और वालदा का नाम एडिथ टर्नर था। बहुत ही छोटी सी हाइट थी जी इनकी, यानी अगर मीटर्स में देखें तो 1.37 मीटर और अगर इंचेस में देखें तो 4 फीट 4 इंचेस। इस पर एमसीक्यू आ चुका है, कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में इनकी हाइट के बारे में पूछ चुके हैं वो। और इनकी जो हेल्थ है वो बहुत ही पुअर थी और इनका एक अपना ही एक कोटेशन है कि लाइफ इज अ लॉन्ग डिजीज, कि जिंदगी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बीमारी है, क्योंकि इनको काफी सारी बीमारियां थी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है जी, डाइड ऑफ एडमा एंड एक्यूट एज्मा। तो एज्मा तो यानी सांस की बीमारी को कहते हैं, इसको एज्मा ही पढ़ते हैं, हमारे यहाँ पे प्रोनंसिएशन रॉन्ग है, इसकी एस्थमा नहीं है, ये एज्मा है। तो एज्मा सांस की बीमारी, एडमा यानी जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी थी, तो इनकी बॉडी शेप भी सही नहीं थी, सांस की बीमारी भी थी, कद भी इंतहाई छोटा सा बोने से थे। तो ये तमाम चीजें मिली तो फिर इन्होंने एक कोटेशन लिखी कि लाइफ इज अ लॉन्ग डिजीज, और ये 30 मई 1744 में इनकी वफात है। प्रोफेसर एटन इनके बारे में क्या कहते हैं जी, वो कहते हैं इनको प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म, क्योंकि ये क्लासिक्स को फॉलो करने में बहुत ही माहिर थे और क्लासिक्स यानी एंशंट पोइट्स को इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में फॉलो किया और अपनी पोइट्री में इन्होंने बहुत ही शोहरत भी हासिल की। इनके वर्क्स देख लेते हैं जी, अलेक्जेंडर पोप ने कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं। तो सबसे पहला जो वर्क हमारे पास आ रहा है वो है जी पेस्टोरल पोइम्स 1709, ये इन्होंने पब्लिश करवाई इन जैकब टॉमसन्स पोएटिकल मिसलेनीज के अंदर। ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट वर्क नहीं था और ये इन्होंने वर्जिल को कॉपी करते हुए लिखा था वर्जिलियन स्टाइल में। वर्जिल एक क्लासिक पोइट था, एक क्लासिकल पोइट था, एक एंशियंट पोइट था। आगे चलते हैं तो जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका एसे ऑन क्रिटिसिज्म, 1711 में लिखा, 23 साल के थे जब लिखा और अच्छी खासी इनको शोहरत मिली और अपनी मौत तक इस वर्क की वजह से इनको शोहरत मिलती रही। और इसके अंदर इन्होंने ये इंसिस्ट किया है कि जो एंशंट्स ने रूल्स बताए थे वो बिल्कुल परफेक्ट हैं और उनको लाजमी फॉलो किया जाना चाहिए। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म ने इनको बहुत शोहरत दिलाई थी और इन्होंने अपने मौत तक जो है वो इस वर्क की वजह से ये हमेशा मशहूर रहे और इन्होंने शोहरत पाई। नेक्स्ट वर्क भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म था, द रेप ऑफ द लॉक, और ये 1712 में भी पब्लिश करवाया इन्होंने और 1714 में भी पब्लिश करवाया। जब इन्होंने 1712 में पब्लिश करवाया तो उस वक्त उसके अंदर सिर्फ 2 कैंटोस थे, लेकिन फिर जब 1714 में पब्लिश करवाया तो उसके अंदर 5 कैंटोस थे। ये एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं कंपेरेटिव एग्जामिनेशन में, ये याद रखेंगे कि 1712 वाले द रेप ऑफ द लॉक में सिर्फ 2 कैंटोस थे और 1714 वाला जो द रेप ऑफ द लॉक का जो एडिशन था उसमें इन्होंने 5 कैंटोस कर दिए थे। कैंटोस से मुराद यहाँ पर पार्ट्स है, तो 1712 दो हिस्सों में तकसीम था जबकि 1714 में जो द रेप ऑफ द लॉक लिखा वो 5 हिस्सों में तकसीम था। चूंकि ये क्लासिकल पोइट्स को, एंशंट्स को पढ़ने में बहुत ज्यादा माहिर थे, उनको समझने में और उस तरह की पोइट्री लिखने में, तो इन्होंने होमर के एक वर्क इलियड और ओडिसी उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया और उसके अंदर इन्होंने तकरीबन 11 साल अपने करियर के स्पेंड कर दिए थे। 1713 में लिखना शुरू किया था इन्होंने वो, तो ये एक जो है वो बहुत ही मुश्किल और बहुत ही लंबा काम था, लेकिन इन्होंने ये किया कि होमर के इलियड और ओडिसी को इन्होंने ट्रांसलेट किया। फिर इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट वर्क लिखा, द डंसियड, ये पर्सनल सटायर है, इसके अंदर ये सटायर करते हैं और लिटरेरी इनकॉम्पिटेंस पर ये सटायर करते हुए नजर आते हैं, यानी ये उन लोगों पर सटायर करते हैं जो कि लिटरेरी इनकॉम्पिटेंसी रखते होते हैं लेकिन फिर भी लिटरेचर लिखते हैं, लिटरेचर से रिलेटेड रहते हैं, यानी ऐसे लोग जो लिटरेचर लिखने के काबिल नहीं है, अच्छा वर्क प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं है, ग्रेट मेरिट का वर्क प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं है, फिर भी वो लिटरेचर से जो है वो अपने आप का ताल्लुक बनाए रखें, तो उन पर तनकीद की है अलेक्जेंडर पोप ने इस अपने वर्क के अंदर, द डंसियड में, जो कि 1728 में इन्होंने पब्लिश करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर वो एक शख्स लुईस थियोबाल्ड पर
क्रिटिसिज्म करते हुए नजर आते हैं हमें। लुईस थियोबाल्ड जो है वो शेक्सपियर के ड्रामास का एडिटर था और अलेक्जेंडर पोप ने इस शख्स पर इल्जाम लगाया है, सटायर किया है कि इस शख्स ने विलियम शेक्सपियर के प्लेस को ईमानदारी से पब्लिश नहीं करवाया, बल्कि टेक्स्ट के अंदर बहुत सी गड़बड़ियां जो है वो पैदा करती हैं, बहुत से डायलॉग्स जो विलियम शेक्सपियर ने ओरिजिनली लिखे थे वो रिमूव कर दिए और बहुत से डायलॉग्स जो विलियम शेक्सपियर ने लिखे ही नहीं थे वो उसके ड्रामास के अंदर डाल दिए हैं। तो इसके अंदर ये और भी तंज करता है, पब्लिशर्स पर भी तंज करता है, बुक सेलर्स पर भी तंज करता है। तो ये जो वर्ड है फिर डंसरी, ये अलेक्जेंडर पोप ने ही इंट्रोड्यूस करवाया है और इसका मतलब टेस्टलेस, डल या डीग्रेडेड बन चुका है उस वक्त से। और ये ऐसा शख्स होता है जो लिटरेरी तौर पर या कल्चर के लिहाज से बिल्कुल डल होता है, टेस्टलेस होता है। पोप ने इसके अंदर कंटेम्परेरी लिटरेरी फिगर्स को भी मोक किया है, तंज का निशाना बनाया है और पोप ने इस बात पर फोकस किया है कि आर्ट और कल्चर का डिक्लाइन यही लोग होते हैं जो डंसियड्स होते हैं, जो स्किपिड्स होते हैं, जो बेवकूफ लोग होते हैं कि वो लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं कर सकते ग्रेट मेरिट का, लेकिन फिर भी लिटरेचर से वाबस्ता रहते हैं। इसी तरह का एक और इम्पोर्टेंट काम एसे ऑन मैन 1733 से 1734 में इन्होंने पब्लिश करवाया। इसके बारे में ये एमसीक्यू पूछा जा चुका है कि एसे ऑन मैन का योनरा क्या है, तो याद रखेंगे कि इसका योनरा पोइट्री है। इसका नाम तो एसे ऑन मैन है लेकिन ये पोइटिकल वर्क है, ये पोइट्री की फॉर्म में लिखा गया है और इसके अंदर पोप जो है वो मॉरल फिलॉसफी पेश करता है। चूंकि इस दौर के अंदर लोग जो है वो मजहब से काफी दूर हो रहे थे, गॉड से काफी दूर हो रहे थे, चर्च से दूर होते जा रहे थे, बाइबल से दूर होते जा रहे थे, तो अलेक्जेंडर पोप ने ये जरूरी समझा कि लोगों की मॉरल सेंस को दोबारा से जगाया जाए और लोगों का यकीन खुदा पर मुकम्मल करवाया जाए। तो वो इसके अंदर फिर एक लाइन लिखता है कि वट एवर इज राइट, कि जो भी गॉड ने बनाया है, किया है और जो गॉड फैसले करता है वो बिल्कुल दुरुस्त होते हैं। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि इन्होंने क्लासिकल वर्क को ट्रांसलेट किया था और उसका नाम था ट्रांसलेशन ऑफ होमर्स इलियड एंड ओडिसी। इसी तरह ये फिर से एक क्लासिकल वर्क में हमें नजर आते हैं और वो है इमिटेशन ऑफ होरेस एंड एपिसल। इसमें उन्होंने इसको इमिटेशन किया लेकिन ये वर्क इनका अपना ही है और ये चार हिस्सों में तकसीम है। उसके अंदर ये फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्डर इन द वर्ल्ड, कि इस दुनिया में जो ऑर्डर है, जो तरतीब है, वो बहुत जरूरी है और वो एग्जिस्ट करती है और वर्ल्ड इज यूनिफाइड बिकॉज गॉड क्रिएटेड इट, और ये दुनिया जो है ये एक ही है, ये आपस में जुड़ी हुई मुतहिद दुनिया है क्योंकि उसको खुदा ने ही बनाया है और एक खुदा की जो प्रोडक्शन है वो दुनिया है और दुनिया यूनिफाइड है। तो ये इसके अंदर वो जिक्र करते हैं। तो इनके चार इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं वो आपने तैयार करने हैं, याद करने हैं। नंबर वन आपने तैयार करना है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। नंबर टू आपने तैयार करना है द रेप ऑफ द लोक 1714 वाला वर्जन, जिसके अंदर 5 कैंटोज हैं। उसके बाद आपने तैयार करना है द डंसियड और फिर आपने तैयार करना है एसे ऑन मैन। ये चार वर्क्स इनके इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। आइए ये देखते हैं कि न्यू क्लासिकल पोइट्स के माइनर पोइट्स कौन कौन से हैं। न्यू क्लासिकल एज के अंदर जो माइनर पोइट्स में सबसे पहला शख्स है वो है मैथ्यू प्रायर 1664 से 1721। ये डेट याद रखना जरूरी नहीं है। डिप्लोमेट थे, एक्टिव पॉलिटिशियन थे, फॉलोअर ऑफ पोप, पोप को फॉलो करते हुए लिखते थे। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जी सोलोमन ऑन द वैनिटी ऑफ द वर्ल्ड और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, और ये सीरियस पोइम्स लिखा करते थे। तो बस आपने माइनर पोइट्स का नाम याद करना है और उनके वर्क्स को याद कर लेना कि माइनर पोइट्स ने क्या क्या काम लिखे थे। माइनर पोइट्स के बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास नेक्स्ट माइनर पोइट है जी जॉन गे 1685 से 1732। इनका ड्यूरेशन है, डेट याद रखना जरूरी नहीं है। फॉलोअर ऑफ पोप थे और जिस तरह पोप लिखता था वैसे ही लिखते थे। मास्टर ऑफ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ रूरल सीन्स एज वेल एज डिलाइट्स ऑफ टाउन, तो इनकी पोइट्री हमें मिक्सचर नजर आती है। ये उसके अंदर रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म दोनों को अपनी पोइट्री में थीम के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। फुल ऑफ ह्यूमर एंड गुड टेम्पर, अच्छा अंदाज है पोइट्री लिखने का। और इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो देख लेते हैं जी, रूरल सपोर्ट्स, द आर्ट ऑफ वेकिंग द स्ट्रीट ऑफ लंदन, ब्लैक आइड सूजन।
ये तीनों इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। बस आपने ये याद रख लेना है कि ये जो पोइट हैं जॉन गे, इन्होंने ये तीन इम्पोर्टेंट काम लिखे हैं, रूरल स्पोर्ट्स, द आर्ट ऑफ वॉकिंग द स्ट्रीट ऑफ लंदन और ब्लैक आइड सुजन। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो माइनर पोइट हमारे पास मौजूद है वो है लेडी मेरी वॉरले मोंटेग्यू, 1689 से 1762 इनका ड्यूरेशन है। याद रखना जरूरी नहीं है, पहले अलेक्जेंडर पोप की दोस्त थी, बाद में दुश्मन बन गई, और इन्होंने पोइम्स तो लिखी लेकिन वो कोई खास ग्रेट मेरिट की पोइम्स नहीं थी। फिर जी मैरी लैपर है, 1722 से 1746 ड्यूरेशन है। याद रखना जरूरी नहीं है, ये भी पोप की फॉलोअर थी, उनसे काफी इन्फ्लुएंस्ड थी, और इनका एक वर्क काफी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है पोइम्स अपॉन सेवरल ओकेजंस, 1784 से 1751 के दौरान ये इन्होंने पब्लिश करवाई, और 24 साल की उम्र में ये मैजल्स यानी खसरे से जो है वो मर गई। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास माइनर पोइट है वो है एडवर्ड यंग, 1683 से 1765। याद करना जरूरी नहीं है, टू इंपॉर्टेंट वर्क्स, यूनिवर्सल पैशंस, प्रेजेंट्स हिम एज अ स्किलफुल सैटरिस्ट, इसके अंदर ये सटायर करते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट काम है द नाइट थॉट्स, जो कि इन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखी है। ब्लैंक वर्स अनराइम्ड हैरवे कपलेट को कहते हैं। ओके जी, यहाँ पर इनके दो इंपॉर्टेंट काम नाम याद रखेंगे, एडवर्ड यंग ने यूनिवर्सल पैशन लिखा, एडवर्ड यंग ने द नाइट थॉट्स को लिखा। थॉमस पर्नल है, 1679 से 1718, वेल रिप्यूटेड एज ट्रांसलेटर, ट्रांसलेट किया करते थे वर्क्स को, और इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं द नाइट पीस ऑन डेथ और हिम टू कंटेंटमेंट। तो इनके दो इंपॉर्टेंट काम याद रखेंगे कि थॉमस पर्नल ने लिखा द नाइट पीस ऑन डेथ और हिम टू कंटेंटमेंट। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट माइनर पोइट है लेडी विन चेल्सिया, 1660 से 1625 इनका ड्यूरेशन है। फॉलोअर ऑफ पोप, पोप को फॉलो करते हुए पोइट्री लिखते थे और लिखती थी। मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स नेचर, नेचर की तरफ इनका ज्यादा रुझान था, और नॉक्चुरल रेवरी जो है वो इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, और नॉक्चुरल रेवरी कंसिडर्ड एज द पाइनियर पोइम ऑफ द न्यू रोमांटिक एज, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्क है क्योंकि इससे आगे जो है वो हम रोमांटिक एज पढ़ेंगे, और ये जो न्यू क्लासिकल पोइट्री है ये बेशक क्लासिकल पोइट्स को फॉलो करती है, क्लासिसिज्म को फॉलो करती है और रोमांटिसिज्म के खिलाफ है, लेकिन यहाँ पर ही हमें कुछ माइनर राइटर्स ऐसे भी मिलते हैं जो कि क्लासिसिज्म को छोड़ के रोमांटिसिज्म को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह के लेडी विन चेल्सिया जो है वो नेचर की तरफ काफी झुकाव उनका नजर आता है, और इस तरह के ही पोइट्स थे जिनकी वजह से क्लासिसिज्म को छोड़ दिया गया और रोमांटिसिज्म को अपनाया गया, और रोमांटिक्स का जो एक शॉर्ट पीरियड है वो इसके बाद हमें देखने को मिला। तो न्यू क्लासिकल पोइट्री के बाद हम एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन पढ़ेंगे, और एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के बाद हम रोमांटिसिज्म की तरफ चले जाएंगे कि रोमांटिसिज्म कैसे शुरू हो जाता है। तो यहां पर देखें कि क्लासिकल पोइट्री के अंदर ही हमें कुछ दरारें ऐसी नजर आ रही हैं, कुछ दरारें पड़ रही हैं, और वहां पर रोमांटिसिज्म की जो थीम्स हैं वो मुतारिफ करवाई जा रही हैं, जिनमें से नॉक्चुरल रेवरी पहली पोइम समझी जाती है न्यू रोमांटिक एज की, कि इसके बाद जो है वो रोमांटिक एज शुरू होगी, लेकिन इसके बाद इस एज यानी न्यू क्लासिकल एज या एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप के बाद पहले हम पढ़ेंगे एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे रोमांटिक एज। बहरहाल जी, वीडियो में वापस आते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट माइनर पॉइंट है जेम्स थॉमसन, 1700 टू 1748, इंपॉर्टेंट वर्क इनका है द सीजंस, काफी लंबी पोइम है, ब्लैंक वर्स में लिखी, और ये भी नेचर से रिलेटेड पोइम है, और रिटन इन 1726 टू 1730। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने न्यू क्लासिकल पोइट्री यानी के एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप को हमने डिस्कस किया है, और हमने ये जाना कि इसको न्यू क्लासिकल पोइट्री की एज क्यों कहा जाता है, और एज ऑफ पोप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एज के अंदर सबसे बड़ा जो पोइट था, सबसे बड़ा जो लिटरेरी फिगर और हेड था वो अलेक्जेंडर पोप था। अलेक्जेंडर पोप के बारे में कंपेटेटिव एग्जामिनेशन में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं वो एक तरतीब से फैक्ट्स की सूरत में आपके सामने प्रेजेंट कर दिए गए। अलेक्जेंडर पोप के इंपॉर्टेंट वर्क्स को देख लिया गया, और उसके बाद इस एज के अंदर लिखने वाले माइनर पोइट्स और उनके वर्क्स को भी आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया है। वीडियो के अंदर कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो तो वीडियो में जाके उसको वापस से देखें।
आपको वो पॉइंट जरूर क्लियर हो जाएगा। अगर वो कॉन्सेप्ट फिर भी आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। मजीद ये कि अगर आपको ये पीडीएफ फाइल मुझसे चाहिए तो ये आपको मिल सकती है। वीडियो के एंड पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे मैसेज करके ये पीडीएफ फाइल हासिल कर सकते हैं।